कहावत हो हाना महू जानता हूँ जी, वो मैंने कहा बोले हैं तेला पहले वीडियो देखे हैं तब हमने ये बात ला बोले हैं। इस तरह की बात महंत जी को नहीं करनी चाहिए और उन्होंने किया, इसका हर्जाना भरना पड़ेगा कांग्रेस को। एक शब्द उन्होंने निकाले तो ऐसे का जो समाज विरोधी जो मंत्री भी थे और ऐसे समाज विरोधी आज यहाँ से चुनाव लड़ा थे उला जिताओं का पहली फरामले लड़ी है ना मुहाले भागीस तब बिलाईगढ़ पहुंचिस बिलाईगढ़ वाले पर खेदारी धरसिंहा विधायक अनुज शर्मा जी जांजगीर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी का बयान आया उसके बाद तमाम विरोध हुए, इसके बाद FIR भी हो गई है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था उसे छत्तीसगढ़ की कहावत और हाना से जोड़ा था। आप छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं, किस तरह से देखें? देख कहावत और हाना महू जानता हूँ जी, वो मैंने कहा बोले हैं तेला पहले वीडियो देखे हैं तब हमने ये बात ला बोले हैं। और कोई भी वरिष्ठ नेता का दुनिया के सबसे बड़े नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल अशोभनीय है। इसकी कड़े शब्दों में हम लोग भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। इस तरह की बात महंत जी को नहीं करनी चाहिए और उन्होंने किया, इसका हर्जाना भरना पड़ेगा कांग्रेस को। जब जब मोदी जी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तब तब मोदी जी का साथ पूरे देश ने दिया है और हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ संसद में पहुँचे हैं। अब की बार भी देखिएगा, अब की बार 400 पार। लगातार कांग्रेस बयान देती उसके बाद से भाजपा उन बयानों को कैश करती है, चाहे हम PM मोदी जी को लेकर कहें चौकीदार चोर या तमाम तरह के बयान आए थे, क्या इस तरह इस बयान को भी भाजपा कैश करती? देखिए कांग्रेस वालों को पता चल गया कि उनकी हार निश्चित है और ऐसे में उनका संतुलन बिगड़ रहा है और जब संतुलन बिगड़ता तो इस तरह के वक्तव्य निकलते हैं और इस तरह के वक्तव्य को जनता भली भांति समझती है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। एक अंतिम सवाल, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? उनका तो वही हाल है, इनको तो पता ही नहीं इनका नेता कौन है और ऐसे लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया है कि जो जान रहे हैं कि उनकी जमीन खसक रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ 370 से अधिक सीटें और हमारे पूरे गठबंधन को 400 से अधिक सीटें मिलेगी, अब की बार 400 पार। ये हमारे साथ अनुज शर्मा जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा की इस बार जीत होगी और उन्होंने साफ तौर पर डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर भी निशाना साधा है और कहा है कि मोदी जैसे जो चेहरा है देश में, जो स्वीकार चेहरा है, उस पर कटाक्ष नहीं करना था। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा और ये भी कहा है कि इस बार निश्चित तौर पे जो है यहाँ पर मोदी की सरकार बनेगी और जांजगीर चांपा जिले में भाजपा की जीत होगी। समाज के लिए एक शब्द उन्होंने निकाले तो ऐसे का जो समाज विरोधी जो मंत्री भी थे और ऐसे समाज विरोधी आज यहाँ से चुनाव लड़ा थे उला जिताओं का तो ये बात हमने गली गली मोहल्ला में जाके सतामी समाज ने बताई की आवश्यकता है। हर घर में जाके हम सब ने बताना है और हर मंच में चिल्ला चिल्ला के बात ने बताना है कि जो शब्द से हमला संबोधित करे सतनामी समाज ने जो इसे गलत शब्द से वो संबोधित करे है तो मैं चाहता हूँ कि जान के लोकसभा में ये शिव डहरिया के कुपुर गति होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सब ने एक कुपुर गति करना है, करो कि नहीं करो? चलो आप बताओ भाई, करो कि नहीं करो? और गली गली में जाके बात का बताना है। इतिहास ला सुन लो, पहली फरामले लड़ी है ना मुहाले भागीस तब बिलाईगढ़ पहुंचिस बिलाईगढ़ वाले पर खेदारी तो वहां ले आराम पहुंच गए और आरिस ना वाले और मेरे हमर खुशवर भाई दी भाग के फिर ऐसे भगोड़ा ऐसे दुम दबा के भागने वाला प्रेस में आप सबके जेहे गरीब बोरिया बिस्तर समेत विदा कर रहा हूं। पलट के जाने का और जब आकंठ फुटा में डूबे रहे यहां का जो वो है हमर पर आप सब फैसला करना है। राजकुमार साहू IBC 24 जांजगीर।